ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें, क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा के निर्देश पर चल रहे अभियान में कासगंज कोतवाल एके सिंह ने कई दिनों से शहर कासगंज में हो रही भांड चोरी की घटनाओं का आज खुलासा कर दिया है, जिसके तहत आज कुख्यात भांड चोर मुजम्मिल कामरान मुबीन और अकील में चोरी की मोटरसाइकिल सहित दबोच लिए गए हैं, जबकि इनका मुख्य सरगना व चोरी की बाइकों का सप्लायर तौसीफ अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आपको बताते चलें, शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने सख्त निर्देश दिए। उसी के तहत आज मुखबिर की सूचना पर कोतवाली के सिंह, सोरोगेट चौकी प्रभारी इंदु वर्मा, कांस्टेबल एसपी सिंह, आरक्षी अजय राठी व सिपाही अरुण मलिक ने कासगंज कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास रेलवे लाइन के किनारे पानी की टंकी के पास एक कुख्यात वाहन चोर गैंग के चार सदस्य मुजम्मिल कामरान मुबीन और अकील को पूछ लिया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की गई दो मोटरसाइकिल और नाजायज असला भी बरामद कर लिए हैं। कस्बा कासगंज में वाहन चोरी घटना की वृद्धि कितनी हो गई थी, इसको देखते हुए कोतवाली कासगंज एक टीम तैयार की, टीम के माध्यम से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से दो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें से एक कासगंज की ही चोरी की मोटरसाइकिल है, एक अभी गाड़ी का पता नहीं चला, उसका पता किया जा रहा है। इनके पास से दो अगर तवज्जे बरामद हुए, इसमें एक व्यक्ति फरार है, जिसके पास से मेन उसका गैंग लीडर था वो फरार है, उसके गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको टाइम्स 18 न्यूज पर बताते चलें, वाहन चोर पकड़ना बहुत अजीब सी पुलिसिंग है। इसमें अपराधी के पास कोई अवैध शस्त्र नहीं होता, वह सड़क पर घूमता टहलता एक सामान्य सा आदमी दिखता है। गौर से देखो तो एक गरीब बेरोजगार नौजवान जैसा दिखाई देता है। अगर पुलिस द्वारा उसकी तलाश भी ले ली गई तो उस अचानक ली गई तलाशी में मिलेगा क्या? चाबियों का गुच्छा भी मिल सकता है और नहीं भी मिलेगा। अब कल्पना करिए सड़कों के सीन का, हजारों आते जाते लोग में एक खाली हाथ घूमता युवक चोर, जिसके दिमाग में क्राइम का इरादा बना होता है, जिस दिमाग की पुलिस द्वारा कोई तलाशी संभव नहीं। ये मुख्य रूप से जहाँ ये बैंक के आसपास, कोर्ट के आसपास जो गलियां हैं वहाँ पर गाड़ियां चोरी करते थे, और ये अलीगढ़ में जा कर के जो उनके मेन सरगना है उसको देते थे। कुछ गाड़ियां ये जो जिसमें कागज़ मिलते थे उनको ये गिरवी रख देते थे, कुछ गाड़ियां जिसमें कागज़ नहीं थे उनको कबाड़ी के द्वारा बेच करे और कटवा दिया करते थे। वही दूसरी ओर पकड़े गए इन सातिर वाहन चोरों की माने तो हम लोगों का वाहन चोरी का एक संगठित गिरोह है। हमारे गैंग का सरगना तौसीफ है, जो हम लोगों से कासगंज शहर व आसपास से मोटरसाइकिल चोरी कराकर अलीगढ़ में कबाड़ियों को बेच देता है, साथ ही जिन गाड़ियों में कागजात होते हैं उन्हें गिरवी रख देता है। विगत दिनों हम लोगों द्वारा करीब एक दर्जन वाहन चोरी की घटना कासगंज शहर व आसपास में की गई है। पकड़े गए चोरों को वाहन चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, वह इनके मुख्य सरगना तौसीफ की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू कर दी गई है। उसको तलाश किया जा रहा है, क्या उसके कार्रवाई की जाएगी। टाइम्स 18 न्यूज के लिए कासगंज से रोहतास कुमार की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें, क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की।